भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे और टी20 फॉर्मेट के उपकप्तान रोहित शर्मा ने अपने पद को लेकर कुछ अहम बातें कही हैं। रोहित ने कहा कि उपकप्तान होने से बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि मैच में जब भी मुश्किल घड़ी आती है वो कप्तान विराट कोहली से बात करते हैं और अपने सुझाव भी देते हैं। मीडिया में दिए इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने कहा, उपकप्तान होने के तौर पर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कप्तान विराट कोहली के साथ खड़ा रहूं और जब वो दुविधा में हो तो उनकी मदद करूं। हमने पिछले कुछ सालों में यही किया है। 2007 से रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है। रोहित ने इसके अलावा कहा कि जब MS धोनी कप्तान थे तो उन्हें सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जैसे सीनियर खिलाड़ियों का सहयोग मिलता था। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो मैच के दौरान कप्तान की मदद करें। अब जब हम लंबे समय से टीम का हिस्सा हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कप्तान का साथ दें। टीम के माहौल को लेकर रोहित ने कहा कि सभी के सुझाव सुने जाते हैं और इससे ही टीम एकजुट होकर खेल रही है। रोहित ने कहा, टीम एक खिलाड़ी से नहीं बनती, इसमें सभी 15 खिलाड़ी शामिल रहते हैं, इसलिए कोई भी खिलाड़ी अगर अपना सुझाव देना चाहता है तो ये टीम के लिए अच्छा है। कुछ समय पहले विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैच जब मुश्किल हो जाता है तो वो धोनी और रोहित से सुझाव लेते हैं। ICC विश्व कप में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है। भारत ने अपनी 15 सदस्यीय टीम भी घोषित कर दी है। भारत को अपना पहला मैच 5 जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। विश्व कप का आगाज 30 मई को इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा।